नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। उत्तर प्रदेश आजकल नौकरी देने के मायाजाल का गढ़ बना हुआ है। मनमानीपन का आलम यह है कि सरकार का शायद ही कोई ऐसा महकमा हो जहां नौकरी देने के नाम पर कोरक धंधा ना हो रहा हो। उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग का नाम अब बदलकर उत्तर प्रदेश चिलम सेवा आयोग हो गया है। वजह साफ है कि इस आयोग से नौकरी सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं लगती, इंटरव्यू का भी कोई सलीका नहीं होता। यहाँ नौकरी मतलब पैसा है। सरकार ने जिसे यहाँ हकीम बनाया वो नौकरी देने की दलाली करने लगे। आज हम आपको बताएंगे आयोग की पूरी कार्यप्रणाली और उसमें चल रहे नौकरी के गौरव धंधे की पूरी दास्तान। अब बन रही हमारे साथ। यूपी पीसीएस धांधली का एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां खुली आंखों से धांधली की जाती है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ, कई बार हो चुका है और कई सरकारों में हो चुका है। यूपी में नौकरी के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। सरकारें बदली लेकिन हालात नहीं बदले। हालात बदलने का दावा करने वाली सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कामकाज में बदलाव नहीं आता। 2019 में जो बवाल मचा है, जिसमें इस आयोग पर पक्षपात करने के आरोप लगे हैं, वो नया नहीं है। इससे पहले सपा सरकार के कार्यकाल में करवाई गई परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। आरोपों के बाद प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच आए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के रिजल्ट की सीबीआई जांच के लिए 31 जुलाई को भेजी थी। 24 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने भी सीबीआई को जांच का निर्देश दे दिया था। इसके आधार पर सीबीआई ने पीई दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने बीते 5 साल में हुई परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज आयोग से हासिल किए, लेकिन सबसे पहले सबसे विवादित पीसीएस 2015 भर्ती की जांच शुरू की। करीब 2 महीने तक चली जांच और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों व आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ के बाद सीबीआई को मॉडरेशन में हुई अनियमितता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। सीबीआई को इन परीक्षाओं में स्केलिंग, उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने, पेपर लीक होने के बावजूद परीक्षाएं रद्द ना करवाने और आरक्षण से जुड़े नियमों का पालन ना करने जैसी शिकायतें मिली थी। जाति और धर्म विशेष के अभ्यर्थियों को अधिक नंबर देकर उन्हें चयनित करवाने का आरोप भी खूब जोर शोर से लगा था और इसको लेकर सबूत भी मिले। नौकरी के खेल में शामिल माफिया इस तरह की जाँच रोकने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साथ ही सीबीआई जाँच रोकने के लिए लोक सेवा आयोग एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आया। पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, याचिका खारिज होने के बाद आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यहां 4 मई को एसएलपी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी। मामला साफ है, गलत हुआ है। सरकार दर सरकार नीति को बदलने की बात होती है, लेकिन यूपी पीसीएस में अगर कुछ बदली गई तो सिर्फ कॉपियां और बदल दिए गए नंबर। एक बार फिर आयोग जांच के दायरे में आ गया है। 2012 की जांच अभी अपने अंजाम और न्याय तक पहुंची ही नहीं और गलत करने का एक और खेल आयोग ने खेल दिया है। आयोग के इस खेल से जिनके हाथ नौकरी से खाली रह गए उनके हाथ को कब तक न्याय मिलेगा, यही इंतजार पूरे यूपी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए धांधली के मामले को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं और छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस बात की सफाई दी गई कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भरोसे पर कब तक छात्र इंतजार करेंगे ये बड़ा सवाल है। और अधिकारी मनमानी आखिर कब तक करते रहेंगे और कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आयोग
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वैसे लोगों के सुनहरे सपनों का वो मंदिर है जहां मेहनत और जिंदगी को बेहतर करने की शिक्षा के भरोसे कुछ नया करने का सपना सच हुआ। यहां पहुंचते हैं, अब जरा इनके हाथों में दस्ती पर लिखे इन शब्दों को पढ़ लीजिए। साफ लिखा है, पैसा दो नौकरी लो। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की बात उत्तर प्रदेश में नौकरी देने वाले आयोग पर लगा हो। पक्षपात का आरोप, जाति को तवज्जो देकर नौकरी देने का आरोप, पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप और सरकार में बैठे लोगों के पसंदीदा और चुनिंदा लोगों को नौकरी देने के आयोग पर विवाद नया नहीं है। बस नया कुछ होता है तो चाहने वालों के चेहरे बदल जाते हैं और सरकार में रहने वाले लोगों की पसंद। बात आयोग यही करता रहता है। इलाहाबाद में छात्रों को तो दिक्कत है, उसमें उनका साफ आरोप है कि परीक्षा को लेकर आया सही से एक काम ही नहीं करता। सबसे बड़ी मांग ये है कि ये कितने दिनों से भ्रष्टाचार चल रहा था, इसको कम से कम आकर जो भी शीर्ष अधिकारी है, शासन स्तर के जो भी अधिकारी है या जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, वो आकर हम लोगों के बीच में बात करे और बताए कि क्या किया जा रहा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी धांधली हुई है, मैं एसटीएफ को बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतनी बड़ी धांधली का खुलासा किया है। छात्रों को इस बात के लिए समझाया गया तो आयोग से मिलकर वो अपनी बात रख सकते हैं। अधिकारियों ने इस चीज का भरोसा भी दिया, जो उनकी मांग है उस पर काम किया जाएगा, लेकिन जो आरोप है वो बड़ा है। छात्रों की मांग वैसे हुक्मरानों और नौकरशाहों से है जिनको ना तो गलत करने का डर है और ना गलत होने पर मलाल। जिन्हें मलाल है, सड़क पर इस कदर दौड़ाए गए भगाए गए पुलिस की गाड़ियों ने ये साबित करने की कोशिश की थी जो मांग है वो गलत है, तरीका भी गलत है, जो हुआ है उसके लिए जाँच होगी। बड़ा सवाल यही है, जब गलत होता है तो लोग रोड पर आते हैं और उन्हें गलत बता दिया जाता है, जब वो हट जाते हैं तो उस गलत पर पानी फेर दिया जाता है। अभी नहीं कहा जा सकता कि लोगों के भीतर इंसानियत की जमीन कब जागेगी या फिर शराफत का कौन सा फलसफा लिखा जाएगा जमीर को जिंदा कर दे, क्योंकि जो कलम के भरोसे होता है उस बोर्ड पर चिल्लम लिख दिया जाए तो अंदाजा लगाना सहज है उसका अंदाजा क्या होगा। इलाहाबाद में जो कुछ हुआ ये बताता है, जिस परीक्षा को निष्पक्षता के साथ रखनी थी, जिसका परिणाम बिना किसी पक्षपात के आना था, उसमें विभेद रहा है और पक्षपात भी किया गया है। अब देखना है कि जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार कब तक निष्पक्ष मुहर लगा पाती है, क्योंकि जांच में भी अगर कुछ चीजें इंतजार में जाएंगी तो छात्रों का वो भविष्य ही जो ऐसे अधिकारियों और आयोग के कारण बिगड़ती रही है और बिगड़ी जाती रही है। परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार के गिरफ्तारी के बाद लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कैंपस के अंदर कर्मचारी सभा कर एक नई रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ जहां पर एसटीएफ अंजू लता कटियार को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश में जुटी हुई है, वहीं पर लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और अधिकारी उनके बचाव में उतर आए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। लोक सेवा आयोग में पेपर लीक को लेकर हुई गड़बड़ी मामले में जांच शुरू भी हो गई है, लेकिन सरकार ने कई अहम फैसले ले लिए हैं। सरकार ने दिसंबर तक के सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा रद्द, सहायक वन संरक्षक परीक्षा रद्द, क्षेत्रीय वन अधिकारी 2018 की मुख्य परीक्षा रद्द, अपर निजी सचिव परीक्षा रद्द, तृतीय चरण में उत्तर प्रदेश सचिवालय कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा रद्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड परीक्षा में पेपर लीक कांड के बाद जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, आयोग ने दिसंबर तक सभी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। ।2019 की दूसरी छमाही के लिए जिन परीक्षाओं को तय किया गया था, वो सभी परीक्षाएं अब नए तारीखों पर तय होगी। परीक्षा नियंत्रक अंजू कटिहार की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनके नियंत्रण में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। अंशु कटिहार के कार्यकाल में जो परीक्षाएं हुई और उन पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अब वो जांच की जद में है। सरकार ने आगे की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और अब परीक्षा के लिए नए कैलेंडर की घोषणा होगी, लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है कि आखिर इन पदों पर बैठे लोग इतने अनियंत्रित कैसे हो जाते हैं कि सरकार की पूरी व्यवस्था ही नियंत्रण के बाहर चली जाती है और अब नए सिरे से परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा और उसके बाद फिर परीक्षाएं ली जाएंगी।
अब तो छात्रों को इंतजार ही करना होगा। युवाओं को नौकरी देकर उनकी जिंदगी को सजाने और नई राह दिखाने के सरकारी ताऊ की पान की है। जो राह सरकार के नुमाइंदे सरकारी सिस्टम रहते दिखा देते हैं, उसकी भरपाई तो आखिर इन्हीं नौजवानों को करनी पड़ती है और इंतजार भी इन्हें ही करना पड़ता है। कमोवेश स्थितियां यही है। इस तरह के घोटाले में बहुत कुछ ज्यादा होता नहीं है और यही वजह है कि घोटाला करने के बाद भी लोग इतने नहीं डरते कि इस पर जो कार्रवाई होगी उससे उनका सब कुछ चला जाएगा। लेकिन शायद नियति को यही मंजूर रहता है कि आने के इंतजार में लोगों का जो समझ जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा। जो नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के जीवन में समय का ये पल कभी नहीं आएगा, समझेगा कौन? कहना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है कि इंतजार तो अब नए समय के कैलेंडर का करना ही होगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार के गिरफ्तारी के बाद जो अर्धवार्षिक कैलेंडर परीक्षाओं को जारी किया गया था, उस कैलेंडर को स्थगित करते हुए सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दी गई है। अब नए परीक्षा के लिए जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा और नए समय सारणी के अनुसार लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगी। वहीं पर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार लोक सेवा आयोग के सामने धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और इसीलिए हम भी लगातार कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग अब लीक सेवा आयोग बन गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मैं अभिषेक का करूंगी। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं अपडेट चाहूंगी, अपडेट क्या है पूरी खबर पर जरा वो बताइए, क्योंकि बैठक भी चल रही थी शाम को। देखिए, इस पूरी खबर के पीछे जो पीसीएस एसोसिएशन है उसने अपने आप को सामने रखा है और ये कहा है कि वो इंटरनल इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि उनके संवर्ग का एक अधिकारी इस पूरे मामले में फंसा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पीसीएस संवर्ग अपने अधिकारों को लेकर के सतर्क है और अपने अधिकारियों को बैकअप भी दे रहा है। लेकिन आप देखिए कि लगातार ये जो घटनाएँ हो रही जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है, जाहिर तौर पर भले ही आयोग एक निष्पक्ष इकाई हो लेकिन वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ पर मौजूद है, बावजूद उसकी जो घटनाएं हुई हैं जाहिर तौर पर एक बड़ा धब्बा है और कहीं ना कहीं जो माफिया है, जो सिंडिकेट है, वो इतनी गहराइयों तक उतर चुका है कि उसमें अधिकारी भी फंसे हुए हैं, कर्मचारी भी फंसे हुए हैं और छात्र भी अब फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और लगातार अभिषेक, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी कई दफा हम देख चुके हैं, 2015 देखिए, 2016 देखिए, और लगातार सरकारें जो बदलती रहती हैं, सरकारों में तब्दीलियां होती हैं लेकिन आयोग बदलता नहीं है। हालांकि फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लेने की हरकत में आया है आयोग, कहा गया कि अब दिसंबर तक सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, ये प्रिजर्वेटिव जो मेजरमेंट्स हैं ये पहले लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि शिकायतें बहुत पहले से चली आ रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं पहले भी हुई हैं। लेकिन जो सुरक्षा तंत्र तैयार होना चाहिए था आयोग के अंदर, वो साल दर साल वो और बिगड़ता चला गया है। और इसीलिए आप देखिए कि जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं इस प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कराई जाती हैं, वो अब शक के दायरे में आ गई हैं। जितनी भर्तियां इससे पहले हुई हैं उनको निरस्त करने की मांग की जा रही है, क्योंकि उन पर भी शक की सुई जा रही है। तो ऐसे में ये इसकी सुरक्षा तंत्र बनाए जाने की पूरी जिम्मेवारी है। ये पूरा जो सिस्टम है ये आयोग के अधीन है, आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है, जो चेयरमैन होता है वो इसके सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में अब ये आयोग के अंदर की सत्यनिष्ठा को देखना होगा कि कैसे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, छात्रों के अंदर जो शक आया है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उन पर भी शक बना रहेगा। अभिषेक, मैं चाहूंगी कि ये जरा बताइए, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? एक कौशिक कुमार, अंजू लता, और फिर कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई और कितनों पर शक है अभी? देखिए, आयोग के अंदर से अगर बात की जाए तो परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ को कुछ साक्ष्य मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं और इसी आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है। बाकी जो प्रिंटर और पब्लिशर थे वहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो फौरी तौर पर जिसका सीधा इन्वॉल्वमेंट था, अंजू लता कटियार जो जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की, खासतौर पर एलटी ग्रेड जिस पर शक की सुई गई हुई है, उस मामले में अंजू लता कटियार की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ अभी और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या इसमें कोई और सिंडिकेट इन्वॉल्व है,
क्या इसमें कुछ और लोग शामिल हैं या आयोग के अंदर से ऐसे लोग जो अंजू लता कटियार के संपर्क में रहे हों? अभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, लेकिन पहली बड़ी गिरफ्तारी अंजू लता कटियार की हुई है और एसटीएफ के सामने भी चुनौती है कि कैसे इस एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी गिरफ्तारी अभी तक अंजू लता की हो पाई है। अभी भी कई लोग हैं जो जद में आ सकते हैं। आप बने रहिए अभिषेक हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फॉरन लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। कभी यूपीपीएससी टॉपर रही थी अंजू कटियार, जिसकी गिरफ्तारी हो पाई है। अभी एलटी ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है और जहां पर पेपर छपता था वहीं से सेटिंग भी हो जाती थी, ये जानकारी भी आप लीजिए क्योंकि बहुत अहम ये जानकारी है। और सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं उनका भविष्य दांव पर है। 2018 में 50 अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था और अब दो अहम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक अंजू लता है और दूसरा है कौशिक कुमार। कभी यूपी पीसीएस टॉपर रही अंजू कटियार, अब एलटी ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार। जहां छपता था पेपर वहीं हो जाती थी सेटिंग। 2018 में 50 अभ्यर्थियों को दिया गया था पेपर। यूपी पीसीएस की टॉपर रही अंजू कटियार ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो कभी पुलिस की गिरफ्त में आएंगी। पढ़ाई में अव्वल रही अंजू ने 2002 में यूपी पीसीएस की परीक्षा में टॉप किया था। कॉलर होने की वजह से ही सरकार ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पद की आड़ में जो खेल खेला गया उससे हर कोई हैरान है। साल 2018 में आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच में फंसी अंजू 2 साल से ज्यादा वक्त से लोक सेवा आयोग में कार्यरत रही। कन्नौज की रहने वाली अंजू के पति अभिषेक वर्मा एचएएल में इंजीनियर हैं और बच्चों के साथ लखनऊ में रहते हैं। अंजू कटियार ने नौकरी देने के नाम पर आयोग से सेटिंग का तगड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। मामले के अहम गवाह के तौर पर अशोक देव चौधरी को गिरफ्तार किया गया और उसने जो खुलासा किया उससे आयोग की पूरी सेटिंग का खुलासा हो गया। अशोक देव चौधरी ने बताया कि साल 2018 में इस परीक्षा के एक दिन पहले 28 जुलाई 2018 को 50 अभ्यर्थियों को वाराणसी में यूपी कॉलेज के पास बुलाकर 10 किलोमीटर दूर कौशल विकास केंद्र ले जाया गया था। यूपी पीसीएस के पेपर ब्लेरिंग स्क्वायर प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता में छपते थे, जहां से इनकी सेटिंग की गई। अशोक देव ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सॉल्वर पेपर देकर 2 घंटे में याद करने के लिए कहा गया, फिर पेपर जला दिए गए। परीक्षा से पहले इन 50 अभ्यर्थियों में सबसे 5-5 लाख रुपए एडवांस लिए गए। इस पेपर को लीक करने को लेकर अंजू को स्क्वायर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कुमार ने 26 मई को 10 लाख रुपए दिए थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि जो लोग इस परीक्षा में पास होने के लिए पैसा दे रहे थे उनमें ज्यादातर पूर्वांचल के रहने वाले थे और उनसे इस परीक्षा को पास कराने के एवज में 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। अंजू की गिरफ्तारी के बाद अब रैकेट के हर खेल से पर्दा उठेगा। अंजू को गिरफ्तार करके उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब बाकी जांच चल रही है। लेकिन एक बात साफ है कि अंजू ने जिस यूपी पीसीएस को टॉप किया था उसकी जिम्मेदारी जब उन्हें मिली तो उसमें भ्रष्टाचार को भी टॉप पर पहुंचा दिया। अब जांच में इस पूरे रैकेट में परत दर परत खुलासा होगा और कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे और कितने लोगों को इसका फायदा मिल चुका है, ये धीरे धीरे सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी पर लगातार मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। सीधा रुख मैं अभिषेक का एक बार फिर से करूंगी। अभिषेक, अंजू लता कटियार की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला और भी घूमता जा रहा है और भी बिगड़ता हुआ कंफ्यूजन भरा नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं अंजू लता कटियार के खिलाफ, लेकिन आयोग के कर्मचारी हैं जो इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई की जाँच की जाए, गलत है, एसटीएफ पर हमें भरोसा नहीं है। देखिए, आयोग के कर्मचारियों पर भी शक की सुई बहुत पहले से जाती रही है। 2015 में जब पहली बार यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर बाहर आया उस समय भी ये बात उठी थी। इसके अलावा कई परीक्षाएं ऐसी हुई जब छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ उस समय भी आयोग के कर्मचारियों और वहां पर काम करने वाले लोगों अधिकारियों पर भी शक की सुई गई थी। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वहाँ जो काम करते हैं, जो आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं क्योंकि ये सीधा हमला, सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका दिख रहा है। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार गिरफ्तार हुई हैं, उनके अधीन ही सारे कर्मचारी आते थे। तो ऐसे में शक की सुई सभी पर जा रही है और इसीलिए
वो अंजू लता कटियार की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, जबकि गेट के बाहर जो छात्र हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, जो पहले की परीक्षाएं हुई हैं वो भी शक के दायरे में है, तो उन सभी को रद्द किया जाए। तो एक तरीके से दो तरफा वार है, और ख़ासतौर पर ये वहाँ पर वो छात्र फंसे हुए हैं जो परीक्षाएं दे चुके हैं या आने वाले वक्त में देना चाहते हैं। दोनों तरफ से ही छात्रों पर ही ये वार और ये हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और जो तमाम छात्र हैं, जो सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं, और उनकी ये मांग है कि आयोग के जितने भी संलिप्त हैं कर्मचारी उन सभी को बर्खास्त किया जाए, हटा दिया जाए। उनका कहना तो ये है कि जब तक कार्रवाई बड़े स्तर पर नहीं होती है तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे, हंगामा खत्म नहीं करेंगे, सड़कों पर ही डटे रहेंगे, जैसे आज तस्वीरें उभर कर सामने आई थी। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, एक बार 2015 या 2016 में जब ऐसी घटनाएं हुई थी उस समय भी छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था वहां पर। हाँ। उस समय भी यही बातें सामने आई थी कि आयोग के अंदर ये सारी दिक्कतें हैं और आयोग के अंदर ही सिंडिकेट और जो नकल माफिया है इस कदर घुसा हुआ है कि आप कितने भी सुरक्षा तंत्र लगा लें, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, वहाँ पर सेटिंग हो जाती है, और जो मेरिटोरियस, जो मेरिट के लोग हैं वो बाहर हो जाते हैं, पैसे का खेल चलता है। तो ये तो सवाल बहुत पहले से उठता चला आ रहा है। ज़रूरी यह है कि आयोग की निष्पक्षता कैसे बनाई जाए, सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि जो परीक्षाएं हों वो निष्पक्ष हों, लोग उस पर शक ना करें और अच्छे लोग सर्विसेज में आए। और लेकिन इसके अलावा अंजू कटियार की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक, क्योंकि लगातार 2015-2016, इससे पहले 2015 में आपको याद होगा जब 17 में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा था कि काम बोलता है अखिलेश यादव का, जो नारा देते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि सरकार उस वक्त अखिलेश यादव की थी, और प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि अखिलेश यादव का काम नहीं बल्कि कारनामा बोलता है। उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता वापस लौटाई जाएगी आयोग की, लेकिन इस बड़ी घटना के बाद, क्योंकि 2015 के बाद सबसे बड़ा ये वाक्या है, इसके बाद तो पूरा आयोग ही शक के घेरे में है, पूरा आयोग ही धूमिल हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा किरकिरी इस आयोग की अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुई थी, जब चेयरमैन को शक के घेरे में लाया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद हटाया गया था चेयरमैन को, और उस समय एक जाति वर्ग, एक वर्ग विशेष के लोगों को नौकरियां देने पर सवाल उठे थे। बीजेपी उस समय जो अपोजिशन में थी उसने ये कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सभी भर्तियां खासतौर पे प्रभावित की गई हैं। लेकिन अब जबकि पावर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, उस दौरान फिर से आयोग पर सवाल उठ रहा है और उसकी निष्पक्षता, जो परीक्षाएँ हो रही हैं, चाहे आयोग के अंदर सवाल उठ रहा हो या फिर छात्र लगातार जा करके वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो, तो ऐसे में बीजेपी सरकार पर भी शुचिता को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इसी बीजेपी ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया था, और आज जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है तो फिर ठीक उसी तरह घटनाएं हो रही हैं जैसे 2015-16-17 में हमने देखी थी। चलिए ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास मैं फिर आऊंगी। लेकिन इस पूरे मामले पर पूर्व आईएएस अफसर एसके द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, वो जरा सुनाते हैं। इलाहाबाद से एसोसिएटेड रहे हैं, हमने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के अच्छे दिन देखे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आज सरकार चाह ले, वो संवैधानिक संस्था है, उसका पुनरुद्धार कर ले और उसमें बहुत जो कीड़े मकोड़े आ गए हैं उनको छांट के किनारे कर दे, तो एक अच्छी तरह से एक पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम परीक्षाएँ करा सकते हैं, अच्छे लोगों को चयनित कर सकते हैं और उनका भविष्य संवार सकते हैं। आज ऐसी सुविधा दी जाए कि अधिकारी वहाँ जाने के लिए लालायित हों, जैसे और जगह जाने के लिए लालायित होते हैं, पोस्टिंग के लिए सिफारिश करते हैं, तो यहाँ के लिए भी सिफारिश हो, इस तरह बनाया जाए, और सिफारिश को न मान के उसी आधार पर क्या 800 का कैडर है या 400 का कैडर है, 1200 में एक अधिकारी नहीं मिल सकता जो शासन की छवि को और अच्छा बनाए, कि छोटे मोटे जो ये सुधार हो जाए, हमें लगता है बहुत बढ़िया आएगा रिजल्ट। तो दो पूर्व आईएएस अफसरों को आपने सुना अभिषेक, दोनों कैस के द्विवेदी और त्रिपाठी साहब भी यही कह रहे थे कि पूरी जिम्मेदारी अब जो बनती है वो सरकार की बनती है, क्योंकि आयोग की पारदर्शिता निष्पक्षता ये सरकार को तय करनी होगी, और अंततः जो हजारों सैकड़ों हजारों की तादाद में जो छात्र हैं जिनका भविष्य दांव पर है उनका फैसला सरकार को ही करना है, क्योंकि निगाहें छात्रों की भी सरकार पर ही टिकी हुई है लास्ट में।
जी हाँ बिल्कुल, सरकार की जिम्मेवारी है कि परीक्षाएं बेहतर तरीके से कराए जाएं, ईमानदारी से कराए जाएं। आयोग की भी इसमें जिम्मेवारी है कि अपने इंटरनल सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर के, छपने से लेकर, सेंटर्स तक जाने से लेकर के और एग्ज़ाम होने तक और फिर इंटरव्यू और रिजल्ट आने तक हर स्तर पे जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश है और जिसके उदाहरण हमने इससे पहले देखे हैं वहाँ पर रोकथाम की जाए। तो ये सरकार का तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है जो परीक्षा कराता है, वहाँ भी मजबूती बेहद आवश्यक हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।